फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल 1971 के बांग्लादेश नरसंहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक हिंदू विधवा सुहासिनी की कहानी पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार विदेशी नागरिकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक साजिशों को उजागर करने के लिए कमिटेड सुहासिनी भारत सरकार और मानवाधिकार संगठनों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है। इस फिल्म के कुछ अंशों को विवाद का हिस्सा बताते हुए इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम ने कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। मान लें कि फिल्में एक्स वाई और सेट की आलोचना की गई है, अगर वो दुखी हैं तो उन्हें आने दें, हम कहाँ जा रहे हैं। निपटने के लिए बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला दिया जिसमें फिल्मों, किताबों या नाटकों की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया गया था। सनोज मिश्रा द्वारा इस निर्देशित और लिखित ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। मूवी निकाली जाती है जिसको लेकर विरोध भी होता है, इसके खिलाफ याचिका भी डाली जाती है बंगाल के हाई कोर्ट में, इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि इसमें जो दर्द दिखाया गया है उन हिंदुओं का जो हमारे पड़ोसी देशों में है, और उनके बारे में शायद चर्चा करना कोई ठीक नहीं समझता है, क्योंकि उससे हो सकता है कि देश का एक सेक्युलर समाज आहत हो जाए। अब कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मूवी देखी है, मूवी की स्क्रीनिंग से बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और लोगों के मन में जो विचार है इस मूवी को देखने के बाद, वो जानेंगे। सुधीर अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ पर। इस मूवी के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो दर्द इस मूवी में दिखाया गया खास तौर पे उन हिंदुओं का जो हमारे पड़ोसी देशों में रहते हैं, क्या विचार आया मूवी देखकर? मैं यही कह सकता हूँ कि ये फिल्म कुछ सोचने के लिए बाध्य करती है। बहुत सी बातें जैसे ऐसी दिखाई गई हैं जो लोग सिर्फ सुनते पढ़ते रहे हैं, शायद विश्वास ना करते हों, लेकिन इसको देख के समझ में आता है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेक्युलर शब्द जो है उसको गलत समझा जाता है। ऐसा नहीं है हर धर्म के मानने वाला सेक्युलर हो सकता है, ये नहीं है कि एक धर्म मानेंगे तो सेक्युलर हैं और दूसरा मानेंगे तो सेक्युलर नहीं है। अगर मैं अपने धर्म को अच्छी तरह मानता हूँ तो मैं सेक्युलर नहीं हूँ, ये अजीब बात है। तो ये मूवी कुछ सोचने के लिए बाध्य करती है। कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई क्योंकि आप जिस प्रोफेशन से आते हैं, खासतौर पर लीगैलिटीज की बात की जाती है। याचिका डाली गई थी बंगाल के हाई कोर्ट पे जहां पर यह बात कही गई थी कि इस मूवी को फिलहाल रोक देना चाहिए, क्योंकि बंगाल में जो इस समय हालात है अस्थिर हो रखे हैं कई जगहों पे, खासतौर पर कोलकाता में, तो ऐसे में अगर ये मूवी आएगी तो बंगाल के हालात बिगड़ सकती है। क्या अगर पड़ोसी मुल्कों में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो दिखाया जाएगा तो भारत में हालत क्यों बिगड़ेगी? नहीं, ये तो गलत बात है और इसके कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन रोकने की बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन वो सही वजह नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो अपना रिव्यू दिया है इस मूवी को लेकर, वो जानने वाली चीज़ इसीलिए हो जाती है क्योंकि आम जनता से अक्सर बातें करते हैं, और ऐसे में जब बात की जाती है उन लोगों से जो कानून से जुड़े हुए हैं, कानून के जानकार हैं और ऐसी चीज़ों को समझते हैं, बारीकी से जानते हैं, देखते हैं, तब जनता का विश्वास ऐसी मूवीज की ओर और ज़्यादा दृढ़ बन जाता है जहां पर उन लोगों की बात की जाए जिनके बारे में अक्सर लोग बात करना सही नहीं समझते, अक्सर लोग जिनके बारे में बात करने से कतराते हैं, कहीं उनको सोशल मीडिया पर किसी बॉयकॉट का सामना ना करना पड़े, अपने फ्रेंड सर्कल में कूल का टाइटल उन लोगों को ना मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्माता चंद्रपाल सूर्यवंशी से हमारे संवाददाता आयुष ने खास बात की है। बातचीत में उन्होंने बताया कि फिल्म बनाने और रिलीज करने के दौरान उन्हें किन दिक्कतों और दुष्प्रचार का सामना करना पड़ा, सुनिए। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से एक मूवी आती है और ये मूवी आने से पहले ही कई प्रकार से विवादों में घिर जाती है। देश में एक ऐसा समाज एक्टिव हो जाता है जो पुरजोर कोशिश करता है कि इस मूवी को रिलीज होने से रोक दिया जाए, और इसके पीछे का वो कारण देते हैं कि इससे समाज में कहीं ना कहीं आपसी जो भाईचारा है वो खराब होगा। लेकिन इस मूवी में क्या कुछ दिखाया गया है वो जानना जरूरी है, और वो जानने के लिए मूवी के प्रोड्यूसर छत्रपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।
लोग कह रहे हैं कि आपकी मूवी से भाईचारा खराब हो सकता है, आपकी मूवी से यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान है इनमें आपसी तनाव बढ़ सकता है, जबकि आपकी जो मूवी है वो पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में बताती है। और याचिका डाली गई थी बंगाल हाईकोर्ट में खास तौर पर कि आपकी मूवी को रिलीज होने से रोक दिया जाए, क्या कहेंगे आपकी मूवी में ऐसा क्या है? देखो, हमारी मूवी में पहली बात तो यह है कि कोई भाईचारा खराब करने वाली बात नहीं है। मेरे बहुत दोस्त हैं जो मुझसे मेरे मुस्लिम भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इस फिल्म के अंदर एक सच्चाई दिखाई गई है जो कि तस्लीमा जी जो बांग्लादेश की लेखिका थी उन्होंने अपनी किताब लज्जा में भी दिखाई, तो उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। ये अनिल चंद के परिवार के साथ जो बांग्लादेश में हुआ था, किस तरीके से उन्होंने पलायन करा पश्चिम बंगाल के लिए, किस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार और बर्मा के रास्ते से बांग्लादेश से अनलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल आते हैं, उनके चंद पैसे में आधार कार्ड पैन कार्ड बनते हैं और किस तरीके से बंगाल सरकार के वोट बैंक बनते हैं, जिसकी वजह से वहां की सरकार को हमारी इस फिल्म से प्रॉब्लम है। सरकार को ही नहीं सर, अगर हम सोशल मीडिया देखें और खास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अगर हम जाए तो एक तबका एक्टिव हो गया था जो खास तौर पे आपकी फिल्म को रोकना चाह रहा था, वो लगातार लोगों को भड़काने में लगा हुआ था कि किस प्रकार से इस मूवी को ना देखा जाए, इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की गई, इस मूवी को झूठ बताने की कोशिश की गई। देखो, प्रोपेगेंडा तो ऐसे कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये तस्लीमा जी की किताब लज्जा के अंदर लिखी हुई है और इसको प्रोपेगेंडा कैसे साबित कर सकते हैं हम। दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश और आज पश्चिम बंगाल के क्या हालात हैं, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, जहां हिंदू माइनॉरिटी में वहां बहन बेटियों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि इस पिक्चर को हमारी मुस्लिम बहन बेटियां भी देखें, हमारे सभी धर्म के लोग देखें। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ भी तो अत्याचार हो रहा है, उनको दो मिनट में एक जरा सी गलती के पीछे तलाक 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 कह के उन्हें वो किया जाता है, उनका हलाला कराया जाता है। तो ये तो सारे सभी धर्मों के देखने के लिए पिक्चर बनाई है, ये सत्य घटना के ऊपर आधारित है। फिल्म को सेंसर मिला है और सेंसर मिलने के बाद ही हमने फिल्म को दिखाया है, और असली बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने दिखाई नहीं है, सेंसर बोर्ड ने कट मरवा दी है उसमें, क्योंकि अगर हम उस सच्चाई को दिखाते तो देश में कुछ भी हो सकता था। हमने केवल 1% सच्चाई दिखाई है और वो बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती कि हम उसे दिखाएं, क्योंकि वहाँ उनका वोट बैंक कटेगा। प्रॉब्लम इस बात की है। दर्शकों से भी आपकी बात हुई होगी जिन्होंने आपकी मूवी देखी, कईयों ने प्रशंसा भी की होगी, दर्शकों के बीच में क्या रिव्यू है आपकी मूवी? दर्शकों के बीच में रिव्यू है कि चाहे मेरी मुस्लिम बहन बेटियां भी हैं, मेरे दोस्त हैं मुस्लिम, बहुत लोग कहते हैं भैया हम फिल्म को देखने जाएंगे, और उन्होंने देख के मुझे फोटो भी भेजे हैं, वो देखते हैं भैया बिल्कुल आपने सच्चाई दिखाई है। देखो, हमने कुछ गलत नहीं दिखाया, मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ये फिल्म एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है, हमने सत्य दिखाने की कोशिश की है और सत्य दिखाने वाले को तो दुनिया गलत बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मूवी के प्रोड्यूसर ने आज आप लोगों को साफ ये बताया कि आखिर इस मूवी में क्या था, ये मूवी क्यों देखनी चाहिए और किस प्रकार से सोशल मीडिया पर इस मूवी के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाया गया है, मूवी को झूठा बताने की कोशिश की गई, फेक बताने की कोशिश की गई, नरेटिव बताने की कोशिश की गई, इसके बाद भी लोगों का प्यार जो इस मूवी को मिल रहा है, लोग इस मूवी को देख रहे हैं, लोग सच्चाई जानना चाह रहे हैं, इस मूवी में जो बातें बताई गई है वो एक किताब से ली गई है, किताब के पर आधारित है, और इसके अलावा और भी ऐसी चीजें जो आए दिन हम अपने देश में और पड़ोसी मुल्कों में देख रहे हैं वो भी इस मूवी में देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।